आदरणीय दोस्तों को सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार। दोस्तों, आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश की प्राचीन नगरी उज्जैन में। उज्जैन नाम महाकालम, इधर महाकाल का मंदिर है जहां लोग दर्शन करने आते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख मंदिर है, प्रमुख स्थान है, प्रमुख तीर्थ है महाकाल का। हम महाकाल मंदिर के पीछे की तरफ खड़े हैं, इधर गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 5 है। हम जहाँ खड़े हैं इसे रुद्र सागर कहते हैं। रुद्र सागर को मैं दिखाना चाहूँगा, रुद्र सागर किस तरह से पोल्यूटेड हो गया है, किस तरह से भयंकर प्रदूषण का शिकार बना हुआ है रुद्र सागर, और किस प्रकार इस सागर में, इस सरोवर में, इस तालाब में गंदे नाले का पानी जाता है मैं दिखाना चाहूँगा। या गंदा नाला जो शहर का गंदा नाला है, उज्जैन का गंदा नाला है, बगैर शोधन किए हुए इस रुद्र सागर में जाता है। इधर में मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरह से पॉलीथीन है, तमाम तरह के अपशिष्ट पदार्थ हैं, फूल माला है, इसमें दवाएं भी होगी, इसमें प्लास्टिक की गिलासें भी दिख रही हैं। सबसे दुखद पक्ष तो यह है कि यहाँ तमाम जो मुर्गे काटे जाते हैं उनके पंख देखे जा सकते हैं, इधर भी उनके पंख हैं, और इधर मैं दिखाना चाहूँगा इधर भी उनके पंख हैं, मुर्गों के जानवर जो काटे गए हैं उनके पंख हैं, उनके अवशेष हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निश्चय प्रतिपादित किया है तालाब को, सरोवर को बचाने के लिए, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, हम कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। संविधान के मौलिक कर्तव्यों में 51 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण का ध्यान देगा और प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने का प्रयत्न करेगा। प्राकृतिक पर्यावरण में नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, उस तरह से वनों को बचाने की भी बात की गई है। तो आज हम नागरिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इस तालाब को मैं दिखाना चाहूँगा, अभी मैंने देखा है कुछ देर पहले इस तालाब के किनारे किनारे लोग शौच का स्थान ग्रहण करते हैं। इस तालाब में जो धार्मिक मान्यताएँ हैं उसमें यह है कि लोग इसमें स्नान करके महाकाल का दर्शन करेंगे और पुण्य अर्जित करेंगे। इधर इधर मैं दिखाना चाहूँगा जो होटल हैं, होटल के जो भोजन के जो बचे खुचे अंश हैं, जो जूठन है, उसको भी फेंका गया है, या भी सड़ेगा सब नाला में जाएगा, और नाले के माध्यम से यह सारा कुछ जो भी कचरा है सब तालाब में जाएगा। तालाब कनेक्ट है यहाँ की छिपरा नदी से, तो जाहिर सी बात है कि किस तरह से, यद्यपि शिवराज जी ने अच्छी सड़कें बनाया है, यह आप देख सकते हैं। मंदिर का ही क्षेत्र है यह, मध्य प्रदेश पुलिस का लगा हुआ है। इधर यात्री महाश्री महाकाल यात्री विश्रामालय है, उधर मंदिर है। तो इस तालाब की दुर्दशा को मैं यहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और यहाँ का जो नगर पालिका परिषद है उसको भेजता हूँ, यहाँ के महामहिम श्री राज्यपाल को भेजता हूँ, और आवश्यकता पड़ी तो इस मामले को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी मैं संदर्भित करूँगा, भेजूँगा। नागरिक कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, परमात्मा एक गुड वर्क का अवसर रोज देता है। आज 21 फरवरी 2017 को सुबह के समय, टहलने के समय, एक नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ कौन सा होगा।